हेलो फ्रेंड्स, मैं दीप और आप देख रहे हैं फील्ड नेचर। आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया से होंगे और ठीक ठाक से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक रहेगा हमारा मैंगो ट्री के ऊपर, जो कि पहले भी आप लोगों ने हमारे मैंगो ट्री के ऊपर वीडियो देख चुका है कि कैसे 1G 2G 3G कटिंग हम लोग कर सकते हैं। अगर जिस लोगों ने नहीं देखा है तो उस लोगों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग मैंगो ट्री के ऊपर ही काम करने वाले हैं, क्योंकि बरसात की टाइम है कि बारिश के टाइम में एयर लेयरिंग करने की सबसे बढ़िया टाइम होती है, और एक प्लांट से हम लोग दो प्लांट कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि इसके रिजल्ट भी आप लोग देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर सॉइल मिक्सचर बना लेंगे हम लोग। तो सॉइल मिक्सचर के लिए हम लोगों ने सैंड का यूज़ किया है, यहाँ पर सैंड थोड़ी सी, और थोड़ी सी कंपोस्ट का यानी कि काऊ डंग का यूज़ करेंगे, और थोड़ी सी हम लोग यूज़ करेंगे कोकोपीट का। तो ये तीनों को अच्छे से मिला लेना है फ्रेंड्स, और इसके बाद हमारी सॉइल मीडिया रेडी हो जाएगी एयर लेयरिंग के लिए। तो चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने सॉइल मिक्सचर रेडी कर लिया। तो चलिए अभी चलते हैं अपना प्लांट की तरफ। तो हमारी मैंगो प्लांट को चलिए नज़दीक से देख लेते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये है हमारी मैंगो की प्लांट, जिसको हम लोगों ने किसी किसी में 3G कटिंग किया है, किसी किसी में 4G कटिंग किया है, और एक ब्रांचेस जो है इसको हम लोगों ने छोड़ दिया है। आप लोग देख ही सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे एक ब्रांचेस को छोड़ दिया है, ताकि इसमें हम लोग एयर लेयरिंग कर सके। इसमें फ्रूटिंग भी हुआ था फ्रेंड्स, जिसका वीडियो आप लोगों ने पहले भी देख चुका है हमारे चैनल पे। अगर नहीं देखा है तो मैं उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वाले ब्रांचेस के ऊपर हम लोग एयर लेयरिंग करने वाले हैं, हमारी इस वाले ब्रांचेस के ऊपर ठीक इस जगह पर। तो चलिए शुरू करते प्रोसेस, और वीडियो को अंत तक और अच्छे से देखें, ताकि आप लोग भी अपने फ्रूट प्लांट पे ऐसी एयर लेयरिंग कर सकें। तो हम लोग अपने मैंगो प्लांट की ठीक इस जगह पे एयर लेयरिंग करने वाले हैं। आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये जो नोट होते हैं इसके बीच में कोई इंटर नोट कहते हैं। तो इस इंटर नोट के जगह पर हम लोग कट लगाने वाले हैं, ताकि यहाँ से रूटिंग स्टार्ट हो। तो चलिए कट लगा लेते हैं, और कैसे कट लगाना है ये भी देख लेते हैं। आप लोग एक सीज़र या फिर एक नाइफ के मदद से भी ये काम कर सकते हैं। सीज़र का इस्तेमाल करूँगा यहाँ पे कट लगाने के लिए। तो ठीक इस जगह पे जो नोट है उसके नीचे से आपको कट लगाना है। तो ये हमारा कट लग चुका है, अभी एक कट यहाँ पे लगाएंगे, करीब 1 इंच। आप लोग देख ही सकते हैं, करीब 1 इंच छोड़ के हम लोगों को दूसरा कट लगाना है। तो हम लोगों ने दोनों कट लगा लिया है, अभी इसके बीच वाले बार्क को हम लोग यहाँ से रिमूव करने वाले हैं। Thank you.
तो जैसे कि काफ़ी अच्छे से कट लगा लिया है, अभी यहाँ हम लोग हल्के हल्की सी एक चीरा लगाएंगे ताकि यहाँ से हम लोगों की रूटिंग स्टार्ट हो जाए। हम लोगों ने चीरा भी लगा लिया है, अभी हम लोग इसके ऊपर थोड़ी सी रूटिंग हार्मोन का इस्तेमाल करेंगे। लोगों ने एक प्लास्टिक में अपना सॉइल मीडिया को ले लिया है, अभी इसको बीच से भी कट कर दिया है, तो चलिए अभी इसको अच्छे से यहाँ पे लगा देते हैं। तो अभी इसको कुछ दिनों के लिए छोड़ देंगे, करीब 21 से 22 दिन तक हम लोग इसको छोड़ देंगे। तो चलिए 21 दिन बाद का अपडेट्स देखते हैं।